नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का। कैसा रहेगा आपके लिए जून का महीना, क्या परिवर्तन लेकर के आएगा, हर किसी को उत्सुकता होती है ये जानने की, ये समझने की कि हमारा आगामी महीना कैसा रहेगा। तो इसी विषय पर आज आपसे चर्चा करूंगा और आपको बताऊंगा, इसलिए ध्यान से सुने मेरे द्वारा बताई जाने वाली बातों को। और यदि पसंद आती हैं तो अपने मित्रों को व्हाट्सएप पर शेयर करें, फेसबुक पर शेयर करें और भी लोगों तक हमारी इस आवाज़ को पहुंचाएं। मित्रों, मेरा एस्ट्रो टीवी इंडिया के नाम से एक दूसरा यूट्यूब चैनल है जहां पर मैं दैनिक राशिफल अपलोड करता हूं। तो आप दैनिक राशिफल को सुनने के लिए कि डेली बेसिस की ग्रह गति क्या कहती है, तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे मित्रों, आज जो मैं राशिफल आपको बताऊंगा उससे पहले ग्रह गोचर की स्थिति से आपको अवगत करवा देना चाहता हूं। मित्रों, सबसे पहले आपसे बताऊंगा कि दिनांक 2 जून को मंगल ग्रह कर्क राशि में नीच के हो जाएंगे। मंगल जैसे ग्रह का जो शूरवीर हैं, जो ताकत देते हैं, साहसिक हैं, ऊर्जा देते हैं, ऐसा ग्रह यदि नीच होगा तो इन सभी चीज़ों के फल में कमी आएगी, विचारों में नीचता आएगी, कर्म में नीचता आएगी, गुस्सा आएगा तो एक्सट्रीम लेवल का आएगा, ऐसा लगेगा कि इसको मार दूं, इसको पीट दूं, ऐसे विचार आएंगे, टॉलरेंस पावर कम होगी। इसीलिए मंगल जैसे ग्रह का नीच होना अच्छा नहीं है। सर दर्द की शिकायत बढ़ेगी क्योंकि मेष राशि सर को प्रभावित करती है, गुप्तांगों से, गुदा द्वार से संबंधित स्त्री जनित रोग, बीपी के विकार, ऐसी समस्याएं यहाँ पर बढ़ सकती हैं, मांसपेशियों में खिंचाव आपको आ सकता है क्योंकि यहाँ पर मंगल ग्रह नीच हो रहे हैं। दोस्तों, यहाँ मंगल के नीच के होने से पेट से संबंधित बीमारी आ सकती है, पेट से पीठ तक का पार्ट आपका कमजोर हो सकता है, जलन होना पेट में, किसी को चेचक खसरा निकल आना, किसी को पित्त से संबंधित विकार हो जाना, ये जलन होना इस पार्ट में, इस प्रकार की रक्तचाप से संबंधित बीमारी आना, कुष्ठ रोग आना, ऐसी समस्याएं इस नीच के मंगल में आपको आ सकती हैं। तो ये पहले बात करी मैंने कि पहला परिवर्तन जो मंगल नीच का रहेगा। इसके अलावा अब आपसे बात करता हूं बुध ग्रह के परिवर्तन। बुध भी परिवर्तित होगा इस महीने और दिनांक 3 तारीख को हो जाएगा। मित्रों, जब बुध का परिवर्तन होगा तो यहां पर आपके लिए ये परिवर्तन बुरा नहीं है क्योंकि 2 जून से या 3 जून से लेकर के और 23 जून तक बुध ग्रह वृषभ राशि में वक्री होंगे और 23 जून से फिर वृषभ राशि में ही मार्ग की गति से आगे चलने लगेंगे। तो जब भी कोई ग्रह अपनी राशि में या जिस भी राशि में चल रहा है उससे आगे बढ़ने लगे तो समझ लीजिए वो साइन अच्छा है। और ये क्योंकि वृषभ राशि में है तो वृषभ इनके मित्र की राशि है। इसके अलावा दिनांक 22 जून तक शुक्र ग्रह रहेंगे मिथुन राशि में अपने मित्र के घर में। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि बुध का और शुक्र का राशि परिवर्तन रहेगा और वो परिवर्तन रहेगा 3 तारीख से लेके और 22 जून तक, यानी 19 दिनों तक बुध शुक्र के घर में रहेंगे और शुक्र जो है वो बुध के घर में रहेंगे। दोनों एक दूसरे के मित्र हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इसके परिणाम आपको शुभ मिलेंगे। मित्रों, 22 तारीख को शुक्र परिवर्तन करेंगे और कर्क राशि में चले जाएंगे। कर्क राशि में इनकी युति बनेगी मंगल के साथ क्योंकि मंगल ऑलरेडी वहां पर नीच के होकर के चल रहे हैं। तो मंगल शुक्र की युति में सावधानियां भी बरतनी पड़ती हैं क्योंकि शुक्र वासना का, प्रेम प्रसंग का कारक है और मंगल एनर्जी का कारक है, ताकत देता है और नीच हो जाएगा। तो वासना में नीचता, प्रेम प्रसंग, ये सब चीज़ें जो हैं इनको लेके गलत ख्याल मन में आना, ऐसा एक योग बनेगा। इसके अलावा सूर्य देव का राशि परिवर्तन हो जाएगा और राहु के ग्रहण दोष से मुक्त हो जाएंगे दिनांक 15 जून को। इनका केंद्र में आना ये भी अच्छा रहेगा। जिन लोगों को लगन राशि नहीं मालूम तो वो राशि, यानी कि मैं जिस भी राशि की बात करूंगा, जैसे मैं कन्या की बात करूंगा सबसे पहले,
तो आपके लिए कन्या वालों, जिनको लगन मालूम है तो कन्या लगन से सुने, जिनको लगन नहीं मालूम तो वो राशि को आधार मान करके भी सुन सकते हैं, थोड़ी एक्यूरेसी कम आएगी। राशि के हिसाब से लगभग 70% की एक्यूरेसी निकल के आएगी और लगन पर 100% की निकल के आएगी। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करता हूं कन्या की। कन्या के दर्शकों, आपके लिए यह महीना बहुत बढ़िया है। जी हाँ, अब बढ़िया किस नजरिए से है ये बता देता हूं। फाइनेंस के लिए अच्छा है, आपके लिए मान सम्मान के दृष्टिकोण से अच्छा है, भाग्य के लिए अच्छा है, धर्म कर्म के कार्यों के लिए अच्छा है, कार्य की सिद्धि के लिए अच्छा है, उच्च एजुकेशन के लिए अच्छा है, आपके कर्म की गति को यानी कि सरकारी नौकरी वालों के लिए अच्छा है, पिता के सुख के लिए अच्छा है, आजीविका के साधनों को बढ़ाने वाला रहेगा ये महीना, आपकी राज्य में प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा, आपके सर्कल के लोगों में आपका सम्मान बढ़ाएगा, आपकी नौकरी और व्यापार के लिए अच्छा है, ऐसी तमाम चीजों के लिए ये महीना अच्छा है। पहले 3 दिन आपको राजयोग भोगना है, तो मैं ये कह दे सकता हूं कि आपकी शुरुआत राजयोग से होगी तो गलत नहीं होगा, क्योंकि भद्र नाम का एक महापुरुष राजयोग आपके कर्म भाव में बनेगा और आपकी राशि के स्वामी जब कर्म भाव में स्वग्रही होकर के रहेंगे तो इन तमाम सुखों को बढ़ाएंगे और उसके बाद भी बढ़ाएंगे, क्योंकि फिर चले जाएंगे ये 10th हाउस के स्वामी होके भाग्य के घर में वृषभ राशि में, और वृषभ राशि के स्वामी तो ऑलरेडी कर्म पर चल रहे हैं। तो ये जो शुक्र और बुध, शुक्र की और बुध की जुगलबंदी बनेगी, ये दिनांक आपको 22 तारीख तक तो पूरा जबरदस्त बेनिफिट देगी, इसलिए निश्चिंत हो जाइए, अपना काम करिए मस्त होकर के। मंगल नीच होंगे 11th हाउस में, जो व्यापार वर्ग से संबंध रखते हैं और विशेष रूप से वो लोग जो मंगल से संबंधित कार्य भी करते हैं या फिर चंद्रमा से संबंधित काम करते हैं, जैसे दूध दही का, पनीर का, परिवहन का, सिंचाई विभाग में है, सुगंधित तेलों का कारोबार करते हैं, ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड काम करते हैं, फिल्म लाइन में है, चावल का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का, होटल लाइन का काम करते हैं, सर्जन हैं, रक्षा विभाग में हैं, या अग्नि से संबंधित कोई उद्योग चलाते हैं, भूमि जायदाद का काम करते हैं, ऐसे लोगों को यहाँ पर थोड़ा विशेष ध्यान रखना होगा, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। और गर्भवती महिलाओं को भी यहाँ पर सावधानी बरतने की आवश्यकता है, ये भी मैं आपसे कहना चाहूँगा। मित्रों, इसके अलावा यहाँ पर मंगल का और शनि का जो ये सम सप्तक योग बनेगा, इसके क्या परिणाम होंगे ये तो आपने सुन ही लिए। सूर्य ग्रह जब अपने कारक स्थान में 15 जून को आएंगे तो ये थोड़ा सा सुकून देंगे, पर नीच के मंगल का और वक्री शनि का जो प्रभाव है वो तो आपको फेस करना ही होगा। तो मित्रों, ये है कन्या राशि का फल। स्वास्थ्य की क्या स्थिति रहेगी, स्वास्थ्य को लेकर के पीड़ा है इसलिए ध्यान रखें, क्योंकि हेल्थ के स्वामी शनि अपनी राशि से 12वें में रहेंगे और गुरु महाराज 6ठे भाव में रहेंगे, मोटापा बढ़ाएंगे, पेट को खराब करेंगे, इस बात का ध्यान रखना। और मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वो भी यहाँ पर गुरु के ऊपर रहेगी और शनि के ऊपर रहेगी, यानी कि भाव पर भी रहेगी रोग पर और भाव के स्वामी शनि पर भी रहेगी। तो ऐसी सिचुएशन में कोई टाइफाइड, कोई मोटापा बढ़ना, कमज़ोरी आना, गुर्दे से रिलेटेड बीमारी, गैस की समस्या बढ़ना, दाएं कान में प्रॉब्लम आना, पाचन क्रिया का कमज़ोर होना, कमर से जांग तक का जो पार्ट है उसका प्रभावित होना, ऐसी जो सब समस्याएं हैं वो यहाँ पर बढ़ सकती है, नर्वस सिस्टम कमज़ोर हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। लव लाइफ आपकी ठीक रहेगी, मैरिज लाइफ आपकी संतुलित रहेगी, जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित होगा इस महीने। मित्रों, यह है कन्या राशि का फल। अब आइए विषय को आगे बढ़ाते हैं और आपसे बात करते हैं तुला की। जितने भी दर्शक तुला के मुझे सुन रहे हैं इस समय, आपसे यही कहूँगा
कि इस महीने आपके लिए दिनांक 22 जून तक समय बहुत ही अनुकूल है। आप जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, निसंकोच भाव से कार्य में सफलता मिलेगी। दौड़ भाग ज़्यादा रहेगी, इस बात को भी मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, क्योंकि मंगल नीच के कर्म भाव पर हैं तो एक बार में सफलता नहीं मिलेगी और मंगल शनि का सम सप्तक योग रहेगा, तो इस बात का आपको मेरी ध्यान रखना होगा। पहले 3 दिन आपके लिए विशेष रूप से अच्छे हैं और उसके बाद बुध ग्रह जब वृषभ राशि में वक्री हो जाएंगे 3 जून को, तो ये रोग के घर में चले जाएंगे खर्च को लेके। तो इस महीने में खर्च भी ज़्यादा बढ़ेंगे और त्वचा संबंधित रोग और एलर्जेटिक बीमारी ये भी आपको पीड़ा पहुंचाएगी, तो इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। मित्रों, इसके अलावा इस महीने में यदि देखा जाए तो 2 ग्रह हैं जो आपकी कुंडली को संभालते हुए नजर आ रहे हैं। पहला शुक्र और दूसरा आपके लिए गुरु। शुक्र और गुरु त्रिकोण में रहेंगे, पंचम भाव में गुरु बैठे हैं, तो एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, विद्यार्थियों के लिए समय किसी प्रकार का कोई दो मत नहीं है, अच्छा रहेगा, संतान सुख भी मिलेगा, अकस्मात धन लाभ का योग भी एक बनेगा, लॉटरी सट्टे से या शेयर मार्केट से लाभ आ जाएगा। और दूसरी तरफ शुक्र बैठे हैं नवम भाव त्रिकोण में 22 जून तक, तो ये भी अच्छा है। दिनांक 22 जून के बाद में आपको अपने ऑफिस में अपने कर्म क्षेत्र पर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल शुक्र की युति बनेगी कैरियर के घर में, तो यहाँ कैरियर फ्लक्चुएट होगा और सामने से शनि देखेंगे, तो मंगल शनि और बुध का ये सम सप्तक योग बनेगा तो दिक्कत आएगी। आपकी राशि का स्वामी नीच होगा, आपके विचारों में नीचता आएगी, आपको अपने मन को कंट्रोल में रखना चाहिए और यहाँ पर इस पूरे महीने नीच के मंगल के दान करते रहने चाहिए। लाल चीज हो गई, लाल वस्त्र हो गए, मिठाई हो गई, लड्डू हो गए, दाल हो गई, ऐसी लाल कपड़े हो गए, ऐसी चीज़ों का दान करें। मित्रों, इसके अलावा इस महीने में एक जो चीज़ है जो काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, और वो यह है कि सूर्य ग्रह राशि परिवर्तन करके 15 जून को भाग्य स्थान में आएंगे, तो भाग्य की मजबूती के लिए समय अच्छा है, यहाँ आपके कार्य को बनवा देंगे। तो एक तरीके से फाइनेंस के लिए ये महीना मुझे इतना मजबूत नहीं दिखाई देता, क्योंकि धन के स्वामी नीच हो रहे हैं, दाम्पत्य सुख के स्वामी भी नीच हो रहे हैं, इसलिए मैंने एवरेज कहा ये दोनों चीज़ें। एजुकेशन के लिए अच्छा है, लव लाइफ के लिए ठीक है, और भाग्य के अनुरूप काम होते रहेंगे। अगर आप कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न लेना चाहते हैं, तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित हूँगा। नमस्कार।